अपन अब रे फ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले अपन एक डेरिवेशन कर देते हैं, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके ऊपर भी आपके एक एक्सपेरिमेंट है, पूरा एक मेजर एक्सपेरिमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और एक कॉनकेव मिरर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना। ये दोनों इसी डेरिवेशन पे बेस्ड है, तो इसको आप अच्छे से समझे, प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा के अंदर भी ये काम आएगा हमारे। तो एक हम डेरिवेशन कर रहे हैं रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप सबको पता होगा कि किसी अगर कंटेनर के अंदर मान लो वाटर फिलअप किया हुआ, आपने पानी भरा हुआ है और उस कंटेनर के अंदर आप कॉइन डाल देते हो, सिक्का डाल देते हो या कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हो अंदर, तो वो सिक्का जो होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है हमें, है ना। कॉइन अपीयर टू बी रेज्ड फ्रॉम एक्चुअल पोजिशन, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है वो। अगर हम उसके अंदर कोई भी चीज़ आप पानी के अंदर देख लो, ऐसे कहते हैं ना कि भाई जो बहुत गहरा पानी होता है मतलब वो थोड़ा शैलो दिखाई देता है, मतलब यूं कम गहरा दिखाई देता है। आप बाहर से पानी को देखोगे ना, उसका बॉटम देखोगे, अगर ऊपर से कोई स्विमिंग पूल है, मान लो आप स्विमिंग पूल को अगर बाहर से देख रहे हो उसके बॉटम को, तो आपको बॉटम ऊपर से देखने में आपको इतना गहरा नहीं नजर आएगा वो, ठीक है। लेकिन वो अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि रियलिटी में उसकी डेप्थ ज़्यादा है। तो एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तो उसकी एक्चुअल हाइट जो होती है और अपेरेंट हाइट होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। जो एक्चुअल होती है वो नजर नहीं आती हमें, अपेरेंट हाइट जो होती है वो एक्चुअल से थोड़ी कम दिखाई देती है। अगर पानी के अंदर मैंने अभी जस्ट बताया आप पॉइंट डाल दोगे तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा आपको। तो इसी को अपन समझ रहे हैं, तो पहले तो हमें इसका रीज़न पता होना चाहिए क्यों होता है, ठीक है। तो ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और इसका एक सिंगल लाइन के अंदर रीज़न है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होता है ये? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो अपन डायग्राम से समझते हैं, इसको डिटेल से समझते हैं और फिर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, बहुत ईजी। अगेन स्नेल लॉ काम आएगा, एक बार वापस आप देख लेना स्नेल लॉ क्या होता है। ये देखो एक कंटेनर है, रे डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने वाटर फिलअप किया हुआ है, क्लियर। इस बार जो ये लिक्विड फिलअप किया हुआ है ये वाटर है, वाटर जो है ये डेंस एंड मीडियम, इसको एन टू कह देते हैं और इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मैं नाम देता हूँ एन। और इस वाटर के ऊपर जो है भाई, वाटर के ऊपर जो है आपके एयर है और एयर के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को अपन N1 कहते हैं, और N1 की वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 1। हमेशा अपन रेयर मीडियम को N1 नाम देंगे और डेंसर मीडियम को क्या नाम देंगे? N2 नाम देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, कॉइन पड़ा है, अब मुझे इसकी इमेज बनानी है। तो आप सीख ले इमेज कैसे ड्रॉ की जाती है, कैसे बनाई जाती है इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज आपको बनानी है। अच्छा, देखने वाला कहाँ खड़ा है? देखने वाला बाहर खड़ा है, हमारी आंखें कहाँ है? बाहर है, हम बाहर से इसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज निकलेगी वो हमारे कहाँ पे पहुंचेगी? हमारे आई के अंदर आएगी, हमारे आई के अंदर पहुंचेगी और हमारे आई को इमेज नजर आएगी। तो कैसे पॉसिबल होगा ये? तो मैं एक रे भेज रहा हूँ, ये रे मैं सीधी सीधी भेज रहा हूँ भाई। सीधी सीधी का क्या मतलब हुआ? किस डायरेक्शन में जा रही है, किसके अलॉन्ग जा रही है? नॉर्मल के अलॉन्ग। और आपको बताया गया कि नॉर्मल के अलॉन्ग जब कोई रे जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, सीधी सीधी निकल जाती है। तो एक फर्स्ट रे तो मेरे इधर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए। कोई डाउट है क्या? एक रे मैं थोड़ी टेढ़ी भेज देता हूँ, मैं ये ऐसे भेज देता हूँ, एक रे इस तरीके से भेज दी मैंने। ये रे किधर जाएगी? तो मैं यहाँ पे मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा छोटा सा, और ये रे जो टकरा रही है इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ आई। क्या नाम दे देते हैं इसको? आई। आई एंगल पे टकरा रही है। अब ये रे डेंसर से रेयर में जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, एयर रेयर मीडियम है, तो रेयर में जाएगी तो ऐसे जाएगी, तब नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी। तो ये नॉर्मल से डेविएट हो जाएगी, ये रे इधर की तरफ मुड़ गई हुई, ये ऐसे मुड़ गई, समझ रहे हो? अच्छा, ये दोनों रेस कहाँ जा रही है? ये किससे तो जा रही है? ये हमारे आंख के अंदर जा रही है, ठीक है। ये हमारे आई के अंदर जा रही है, हमारे आई है यहाँ पे, और ये रेस हमारे आई के अंदर एंटर कर रही है। ये भी रे हमारे आई के अंदर एंटर कर रही है, ये भी रे हमारे आई के अंदर एंटर कर रही है। इस पॉइंट को आप नाम दे दो बी, और ये रिफ्रेक्टेड रे जो एंगल बढ़ा रही है इसको नाम दे दो आर। अच्छा, कोई भी रे जो हमारे आई के अंदर जाएगी, हमारे आई क्या करती है? उस रे को सीधा करके देखती है, सीधा। तो इस रे को अगर मैं सीधा इंक्रीज करूंगा, और ये जो रे जा रही है इसको भी अगर पीछे बढ़ाएंगे अपन, तो ये दोनों रे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? अरे ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? वहीं तो इमेज बनेगी। तो मैं इसको पीछे रिट्रेस करूंगा, इसको भी पीछे बढ़ाऊंगा, ये तो यहाँ इंटरसेक्ट करते हुए लग रही, तो ये यहाँ आई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे इमेज कहाँ दिखाई देगी? आई पे। ये ऑब्जेक्ट ओ जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये रे ऐसे जा रही थी, मुड़ गई, हमारे आई ने इस रे को सीधा करके देखा, तो मुझे इमेज यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, पानी का लेवल यहाँ है, तो ये तो है रियल डेप्थ। क्या है? रियल डेप्थ है, इसको डी नाम दे दूंगा। बट हमें ये कॉइन जो पड़ा हुआ है वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको इतनी डेप्थ दिखाई दे रही है पानी की, बट है एक्चुअली में इतना डेप्थ।
तो ये अपरेंट डेप्थ है और ये कौन सी डेप्थ है रियल, तो अपन फॉर्मूला निकालने वाले हैं, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या होगा। उससे पहले आप सब देखो भाई, आप मुझे ये बताओ कि ये ऐसे z नहीं बन रहा है क्या? अब देखो z बन रहा है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा आई होगा, आई देख लो ये ऐसे z बन रहा आई होगा। अच्छा देखो ये एंगल r है तो ये एंगल भी r होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये एक लाइन पीछे बढ़ा दी मैंने, तो ये पैरल लाइन, एक लाइन के ऊपर कितनी भी पैरल लाइन ड्रॉ करो ये एंगल्स बराबर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये r है तो इस लाइन को पीछे बढ़ाया ये भी एंगल कितना होगा r। इस रे ऑप्टिक्स का नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, पूरी ज्योमेट्री काम आएगी जो आपने मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री पढ़ी है, इसलिए आपको इसको ये बेसिक ज्योमेट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज ही आनी चाहिए, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल सिमिलर ट्रायंगल्स ये सारी चीजें काम आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब भाई मेरा डेरिवेशन बहुत ईजी है, अगेन मेरे को दो ट्राइंगल लेने हैं, आपको दिख रहे हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ये, सबसे पहले ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ ए बी फ्रॉम ट्राइंगल, मुझे इससे साइन थीटा बताओ भाई, साइन आई, अरे ये ट्राइंगल देख लो पूरा बड़ा ट्राइंगल, इससे साइन थीटा बताओ क्या आएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ट्राइंगल को देखना है बस, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने वाला ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ये ना हाइपोटेनियस, ये पूरा ट्राइंगल है या 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल के अंदर भाई सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो ये आपका जो है नहीं सॉरी ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस जो है ओ बी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर था ए बी और ये हाइपोटेनियस है ओ बी। अच्छा अब देखना ध्यान दे इधर देखे सब, एक्चुअली ये रे हमारे आई के ऊपर हमारे आई के अंदर पहुंच रही है, आई के अंदर ये रे तभी जाएगी जब पॉइंट ए और बी बहुत नजदीक होंगे, क्योंकि हमारे आई का जो प्यूपिल होता है प्यूपिल हमारे आंख का जो प्यूपिल होता है उसके साइज बहुत छोटे होते हैं ना, तो ए और बी बहुत क्लोज है, ए एंड बी आर मच क्लोजर, बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है तो देखो ध्यान दो इधर, ये जो ओ बी है ओ बी ये ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है कौन सी है ओ बी, इस ओ बी को आप नाम दे दो ओ ए, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों लगभग बराबर है, तो ये ए बी और मैं इस ओ बी को नाम दे रहा हूं भाई ओ ए, इक्वेशन नंबर वन दे दो इसको, क्लियर। वापस दूसरा ट्रायंगल देखे फ्रॉम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसका नाम है आई ए बी, इसमें मुझे साइन आर बताओ भाई, साइन आर साइन थीटा, तो वापस इस ट्रायंगल के अंदर देखूंगा परपेंडिकुलर कौन है ए बी, परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेनियस कौन सा है हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला आई बी, आई बी, और अभी मैंने कहा है कि ए और बी बहुत क्लोज है, और ये ए और बी बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो बहुत क्लोज है ए और बी, अभी हमने देखा यहाँ पे ए और बी मच क्लोजर है, तो जैसे हमने ओ बी को ओ ए लिखा था वैसे वैसे आई बी को हम लिखेंगे आई ए, आई बी को क्या लिखोगे आप, आई बी को आई ए लिखोगे, तो ये आई बी को आप लिखोगे आई ए, भाई ये इतना तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब थोड़ी सी नई चीज आती है आप सोच ले तो ये तो हार्ड चीज आ गई, ये एकदम क्या पता क्या आ गया, तो धीरे धीरे तो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, यही तो पढ़ने का काम है। तो ये ए और बी बहुत नजदीक है, इस ओ बी को आपने ओ ए लिखना है और आई बी को आपको क्या लिखना है आई ए, तो मैंने ये ए बी है आई बी को मैंने आई ए लिख लिया, इक्वेशन नंबर टू, यानी फर्स्ट ट्राइंगल से मैंने साइन आई निकाल दिया, दूसरे वाले ट्राइंगल से मैंने साइन आर निकाल दिया, और अब भाई ये क्यों निकाले, कोई ऐसे सजा लिख लिया थोड़ी निकाले हमने, साइन आई और साइन आर निकाले हमने तो हमें स्नेल लॉ लगाना है, कौन सा लॉ लगाना है स्नेल्स लॉ, अब अपन अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो ये ही नहीं लगाना आता है स्टूडेंट को, ये सामने क्या चीज लगाया, और बार बार मैं बता रहा हूँ रे साइन ये जारी थी, टकराते टाइम जो एंगल होता है उसको आई कहते हैं, ये तो आई आई है, और बाहर निकलते टाइम जो एंगल होता है उसको आर कहते हैं, ये आर है, रे इधर से इधर जा रही है तो इसमें जा रही है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पहले आएगा ऊपर इसका आएगा, ये मोड़ रहा है तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है L1, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है फिर इसका आएगा N2, समझ रहे हो, अभी N1 की जगह 1 रख देंगे और N2 की जगह रख देंगे हम N, और वैल्यूज पुटअप करो भाई आई और आर की, साइन आई और साइन आर की, इक्वेशन 1 और 2 पुटअप करो, पुटिंग 1 एंड 2 ये हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं, पुटिंग 1 एंड 2
साइन आई कितना है, देखो कितना साइन आई, ए बी अपॉन ओ ए, और साइन आर कितना है, साइन आर ए बी अपॉन आई ए इक्वल टू एन वन, एन वन है भाई एयर, ये एयर है, ये वाटर है, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना लिया था हमने वन, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने एन लिया है, जो कट रहा है काट दो, आई बी से आई बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, आई ए ऊपर चला गया भाई, आई ए अपॉन ओ ए इक्वल टू वन अपॉन एन। अब मैं इसको इधर भेज देता हूं पहले तो एन को, इस ओ ए को इधर भेज देते हैं और आई ए को भेज दो नीचे, यानी इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, ठीक है। और हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका है, लिक्विड का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड किसके इक्वल आ रहा है, क्या फॉर्मूला आ रहा है, ओ ए क्या है बताओ मुझे, ओ ए कौन सी डेप्थ है, ओ से ए तक है रियल डेप्थ, कौन सी डेप्थ है, ये रियल डेप्थ अपॉन, और ये कौन सी डेप्थ है, आई ए अपेरेंट डेप्थ, कौन सी डेप्थ है अपेरेंट डेप्थ, ये प्रैक्टिकल में फॉर्मूला काम में आने वाला है अपेरेंट डेप्थ, ये नोट डाउन करते इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब आप मुझे यूं बताओ, अगर मुझे अपेरेंट डेप्थ निकालनी हो तो क्या होगा भाई, अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बताओ, इसको नीचे भेज दो, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अपेरेंट डेप्थ अगर आपको जब भी निकालनी हो, हमने डायग्राम में रियल डेप्थ को डी नाम दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एम एन नाम दिया है, तो अपेरेंट डेप्थ निकालने तो डी बाई एन, डी बाई एन होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। फिर एक और बात है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी लिक्विड का, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ये चीज 1 से बड़ी होगी तो फिर ये रियल अपॉन अपेरेंट डेप्थ भी क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा ना, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है, इसलिए ये भी 1 से बड़ा होगा। और अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो भाई क्या कंक्लूजन आ रहा है बताओ, रियल डेप्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपेरेंट डेप्थ, और ये रीजन है भाई व्हाई अ कॉइन प्लेस्ड इन वाटर अपीयर टू बी रेज्ड, कोई वाटर के अंदर कोई कॉइन पड़ा है तो वो ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन ये है कि रियल डेप्थ ज्यादा होती है, अपेरेंट डेप्थ हमेशा क्या होती है, कम होती है। ये फॉर्मूला था बहुत इंपॉर्टेंट, एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अपन, ये नोट डाउन कर लेना, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला याद रखो भाई, डी अपॉन एन, अपेरेंट डेप्थ डायग्राम के अंदर जो है, अभी आपने जो डायग्राम बनाया था, डायग्राम जो बनाया था आपने, ये रे भेजी थी ऐसे, इसको ए नाम दिया था, यहाँ आई था और यहाँ क्या था ओ, तो अपेरेंट डेप्थ जो है वो आई से ए तक है, आई से ए तक अपेरेंट डेप्थ है, नोट कर लिया ये आपने। अब भाई देखो एक में नॉर्मल, इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखे, नॉर्मल शिफ्ट, the displacement या shift between real and apparent position of object in liquid या in water is called normal shift। या नॉर्मल शिफ्ट का मतलब ये होता है, दी हाइट थ्रू विच ऑब्जेक्ट रेज्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, ऐसी हाइट जिससे ऑब्जेक्ट ऊपर उठता है, कितना ऊपर उठा था भाई मुझे यूं बताओ, जैसे पानी के अंदर आपने ये रखा था एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पड़ा था ऑब्जेक्ट, फिर वो कहाँ पे आ गया था, वो ऑब्जेक्ट जो हमने एक रे भेजी थी, इसको पॉइंट ए नाम दिया था, ये ऑब्जेक्ट ओ पे था और इसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, आई पे बन रही थी ना भाई, हमने डायग्राम बनाया था, ये रे ऐसे मुड़ गई थी, पीछे बढ़ाया था हमें, आई पे मिल रही थी। तो देखो ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ तो है ओ से ए तक, ये तो है रियल डेप्थ, और अपेरेंट डेप्थ कौन सी है, आई से ए तक, तो कितना ऊपर उठ गया ये ऑब्जेक्ट, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ओ से कहां तक उठा हुआ दिखाई दे रहा है, आई तक। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ओ और आई के बीच का जो शिफ्ट,
इसको कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। तो आप मुझे बताओ भाई कितना है नॉर्मल शिफ्ट, कैसे निकालोगे नॉर्मल शिफ्ट? ओ से आई तक का कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले पूरा ये ओ ए लोगे, ओ ए है रियल डेप्थ, इस रियल डेप्थ को आपने क्या नाम दिया पता है? डी। ये ओ ए रियल डेप्थ है और ये आई ए जो है अपरेंट डेप्थ है। रियल डेप्थ को नाम दे दो डी और आई ए अपरेंट डेप्थ है। और अभी जस्ट मैंने यहां पे लिखा था, यहां पे इसी जगह लिखा था, यहां पे आई ए अपरेंट डेप्थ है और अपरेंट डेप्थ को अपन ने लिखा था डी बाई एन, लिखा था डी बाई एन। डी कॉमन ले लो भाई, वन माइनस वन बाई एन। तो ये देखो हो गया कंप्लीट, ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है। डी रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ याद रखना आपको, ठीक है, नोट करा इसको। देखो एक ही टॉपिक से कितने कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं। फिर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट, मान लो इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई एन वन, कितना है एन वन, और इसका जो है रियल डेप्थ है डी वन। एक और लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, एक और लिक्विड भरा हुआ है, ये है एन टू और इसकी रियल डेप्थ है डी टू। एक और लिक्विड डाल दिया आपने, ये और लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड का मिक्सचर है एन थ्री और इसकी रियल डेप्थ है डी थ्री। अब आपने कोई अंदर ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी अपरेंट डेप्थ कितनी होगी? तो अगर इस केस में अगर आपको अपरेंट डेप्थ चाहिए तो आप एक एक की अपरेंट डेप्थ निकालो। फर्स्ट वाले की अपरेंट डेप्थ क्या होगी? अपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला होता है? अपरेंट डेप्थ का डी बाई एन। ये पूरा तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है, अपरेंट डेप्थ अभी जस्ट आपको फॉर्मूला लिखा है अपरेंट डेप्थ का। तो फर्स्ट वाले में अपरेंट डेप्थ होगी डी वन अपॉन एन वन, दूसरे वाले में अपरेंट डेप्थ क्या होगी? पीछे देख लेना फॉर्मूला लिखा है अपरेंट डेप्थ का। इसमें अपरेंट डेप्थ क्या होगी भाई? डी टू अपॉन एन टू और इसमें होगी डी थ्री अपॉन एन थ्री। तो आप ऐसे अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो, अलग अलग लिक्विड का मिक्सचर हो तो। ये इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, नोट डाउन कर लो जल्दी। ये नॉर्मल शिफ्ट किन किन पे डिपेंड करता है? नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है रियल डेप्थ ऑफ डेंसर मीडियम, रियल डेप्थ ऑफ डेंसर मीडियम। दूसरा डिपेंड कर रहा है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दो बातों पे डिपेंड करता है नॉर्मल शिफ्ट। देखो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अ कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर 12.5 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर के अंदर कंटेनर में पानी भरा गया है 12.5 सेंटीमीटर हाइट के अंदर। तो ये जो है हमारी रियल डेप्थ है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक नीडल पड़ी है उसके बॉटम में, नीडल पड़ी है डेप्थ ऑफ, ठीक है ना, द डेप्थ ऑफ नीडल लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर अपीयर्स टू बी 9.4 सेंटीमीटर। हमें जो अपरेंट डेप्थ लग रही है उस नीडल की, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला प्रैक्टिस है, 9.4 सेंटीमीटर पे आपको उसकी अपरेंट डेप्थ नजर आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होगा रियल डेप्थ ऊपर रियल आई अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ है आपके पास 12.5 और अपरेंट डेप्थ है 9.4। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन की वैल्यू आएगी वो 1.33 आएगी। तो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो अपन अगला नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट की थिकनेस अपन को फाइंड आउट करनी है, रियल डेप्थ अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है 1.5। व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट, एक इंक डॉट लगा हुआ है ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेपर है अभी, पेपर की शीट पे इंक डॉट लगा हुआ है, थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। इसके ऊपर ग्लास की स्लैब रख दिया आपने, इसके ऊपर अगर ग्लास की स्लैब रख दोगे आप, ये ग्लास की स्लैब है, तो ग्लास की स्लैब रखोगे और फिर अब आप इसको देखोगे तो इंक डॉट थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। ग्लास स्लैब तो डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम के अंदर से कोई भी चीज देखते हैं तो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये कितना ऊपर उठा हुआ है, ओ और आई के बीच में कितना शिफ्ट है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट है, यानी ये नॉर्मल शिफ्ट भी हमें दे दिया। नॉर्मल शिफ्ट कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करनी है? थिकनेस फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला है बताओ मुझे नॉर्मल शिफ्ट का? डी वन माइनस वन अपॉन एन। नॉर्मल शिफ्ट कितना दिया हुआ है भाई आपको? 1
डी मुझे नहीं पता, 1 माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू 1.5 है, 1 डी या 1.5 एलसीएम ले लो, ये 1.5 इधर जाएगा, 1.5 में से 1 गया तो कितना लगेगा 0.5, 0.5 का इसमें डिवाइड करोगे 3, 3 को उधर भेज दो तो डी इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर, ग्लास स्लैब की थिकनेस आ गई 3 सेंटीमीटर। एक नेक्स्ट और प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, देखें इसको, रियल डेप्थ और रेफरेंट डेप्थ के ऊपर है, ठीक है, समझा, जैसे एक माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है, माइक्रोस्कोप के ऊपर जो है ऐसे स्केल बनी हुई होती है, इस तरीके से स्केल बनी हुई होती है, क्लियर। अब माइक्रोस्कोप क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, अ मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर, ये बीकर के बॉटम पे एक मार्क बना हुआ है, क्लियर, एंड अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट, माइक्रोस्कोप से अपन देख रहे हैं, और मैं इस माइक्रोस्कोप से जब इस बॉटम का जो इस पॉइंट को देख रहा हूँ, इसको बीकर का जो भी अंदर जो ये मार्क बनाया गया इसको देख रहा हूँ, फोकस्ड है, मुझे मार्क एकदम क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मेरे अभी मैंने यहाँ रीडिंग नोट कर ली, चलो यहाँ पे है रीडिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये रीडिंग मैंने नोट कर ली, मुझे मार्क एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या कह रहा है, द माइक्रोस्कोप इज रेज्ड, इस माइक्रोस्कोप को आपने ऊपर उठा दिया, इज रेज्ड थ्रू 1.5 सेंटीमीटर, देखो ऑब्जेक्ट मार्क यहाँ लगा हुआ है, बीकर पूरा खाली है, तो एक्चुअली में ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन होगी, ये एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, इसको कितना ऊपर उठा दिया भाई, इस माइक्रोस्कोप को आप ऊपर लेकर के चले गए, इसको ऊपर उठा दिया, इसको और इसको ऊपर उठा दिया, तो ये जो स्केल है ये भी थोड़ी ऊपर आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है अब आपका जो माइक्रोस्कोप को आपने 1.5 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, तो अब आप मुझे यूं बताओ, पहले तो आपको स्पॉट एकदम साफ दिख रहा था, अब आपने उस माइक्रोस्कोप को ऊपर उठा दिया तो क्या साफ दिखेगा क्या अब आपको, अब नहीं दिखेगा, क्योंकि इमेज तो रह गई नीचे और आपने माइक्रोस्कोप को ऊपर कर दिया, तो अब आपको इमेज नहीं दिखाई दे रही है, तो भाई इमेज मुझे कब वापस, अब मेरे को ये जो मार्क है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पहले तो दिखाई दे रहा था जब मेरा यहाँ था माइक्रोस्कोप, तब तो मुझे दिखाई दे रहा था, अब मैंने इसको ऊपर कर दिया, छेड़ दिया मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो अब मुझे ये मार्क जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे ये मार्क देखना है, यहीं पे माइक्रोस्कोप को ऊपर सरका दिया मैंने और मुझे यहीं पे रख के इसको देखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू व्हाट हाइट वाटर लेवल टू बी पॉर्ड इनटू बीकर, इसमें पानी भरा, आप खुद बताओ मुझे, जब आप इसमें पानी भरोगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, पानी भरोगे तो पानी भरते ही इसकी इमेज क्या यहीं पे बनेगी, क्या ऑब्जेक्ट यही दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, अब धीरे धीरे पानी भरोगे आप, धीरे धीरे थोड़ा सा पानी भरा तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, और पानी भरोगे तो और ऊपर शिफ्ट होगा, तो मैं इतना पानी भरूंगा ये वो जो है शिफ्ट होते होते एक ऐसी जगह आई पे आ जाएगा कि मुझे ये साफ दिखाई देने लगेगा इस माइक्रोस्कोप से, ठीक है, और ये कितना ऊपर आना चाहिए, जितना मैंने माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट किया, मैंने माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर शिफ्ट किया 1.5, तो इसका मतलब ये वो भी शिफ्ट होकर के आई पे आ जाना चाहिए, और ये भी कितना होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट होना चाहिए, अरे समझ रहे हो आप इसको, ये 1.5 शिफ्ट होना चाहिए ये इमेज, इतना मैंने पानी भर दिया, मैंने इतना सारा इसमें बीकर में पानी भर दिया, ये पानी की मुझे डेप्थ पूछ रहा है कितना पानी भरे, यानी मुझे रियल डेप्थ पूछ रहा है, क्या पूछी जा रही है, रियल डेप्थ, समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले आपने खाली था बर्तन ये बीकर और एक मार्क था, माइक्रोस्कोप से फोकस किया, देखा उसको साफ दिखाई दे रहा है, फिर आपने उस माइक्रोस्कोप को छेड़ के ऊपर लेके चले गए, तो ऊपर 1.5 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया आपने, अब साफ कहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि आपने ऊपर कर दिया उसको, तो अब तभी आपको साफ दिखाई देगा जब वो ऑब्जेक्ट भी वहां से शिफ्ट होकर 1.5 ऊपर आ जाए, तो 1.5 ऊपर लाना है मुझे इसको, समझ रहे हो इसको, तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और इस ओ और आई के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, अरे कहते हैं ना नॉर्मल शिफ्ट, समझ रहे हो आप इसको, अब आप पहले एक बार ध्यान दे दो भाई, एक सेकंड देखो इधर, ये मैंने इतना इतना पानी भर दिया, ये यहां से यहां तक है रियल डेप्थ है, और ये ऊपर वाली अपरेंट डेप्थ, और ये नॉर्मल शिफ्ट है ना, नॉर्मल शिफ्ट, तो आप सबको पता होगा नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, होता है फॉर्मूला, कोई डाउट है क्या, किसी को कंफ्यूजन है क्या, नॉर्मल शिफ्ट कितना है मुझे बताओ, नॉर्मल शिफ्ट कितना दिया गया है, 1.5 दिया हुआ, 1.5 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ कितनी है मुझे दी गई क्या, मुझे नहीं पता, मैं इसको डी लिख लेता हूं, ठीक है, और अपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला है, डी बाई एन 1.5 डी कॉमन ले लेते हैं, मुझे ये मैंने क्वेश्चन में लिखवाया नहीं आपको, गिवन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर,
इज 4/3। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना दिया गया आपको 4/3। तो मैं ये डी कॉमन ले लेता हूँ, 1 - 1/n, 1.5 डी 1 - 1/n रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया 4/3 डी। मैं यहाँ पे ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - 3 ऊपर चला जाएगा 3/4, क्या आ जाएगा भाई यहाँ एलसीएम लोगे आप तो यहाँ 4 एलसीएम लोगे आप तो ये 4 इधर चला जाएगा, 4 - 3 हो गया कितना हो गया 1। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया ना, 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता ही है ना, नॉर्मल शेप का रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। नॉर्मल शेप दिया हुआ है, रियल डेप्थ को डी माना है हमने, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला याद होना चाहिए डी बाई। हाँ अपन अब एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी चल रहे हैं ठीक है। बॉटम ऑफ कंटेनर इज अ 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास, भाई कंटेनर है उसका जो बॉटम है वो ग्लास का बना हुआ है, ये पूरा किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है ठीक है। कितने सेंटीमीटर थिक है, इसकी थिकनेस कितनी है 4 सेंटीमीटर थिक है, और इसका ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ये भाई D1 कह देता हूँ उसको मैं, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्लियर। द कंटेनर कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी, दो लिक्विड है कंटेनर के अंदर भरे हुए ए और बी, जिनकी डेप्थ कितनी है, फर्स्ट वाले लिक्विड की डेप्थ है 6 सेंटीमीटर और दूसरे लिक्विड की डेप्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, क्लियर। रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द अपेरेंट पोजिशन ऑफ अ स्क्रैच ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉटम ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी आर। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.4 और 1.3। तो भाई ये कह रहा है कंटेनर है जिसका बॉटम बना हुआ है ग्लास का, जिसकी डेप्थ को D1 नाम दे दिया है, यहाँ दो इमिसिबल लिक्विड्स भरा गया, एक लिक्विड ए भरा गया है यहाँ पे और एक लिक्विड और भरा गया है बी। इसकी डेप्थ D2 है वो भी हमें दे दी है, इसकी डेप्थ D3 है वो भी हमें दे दी है, और यहाँ पे नीचे एक स्क्रैच लगा हुआ है, इसको ऊपर से देख रहे हैं तो स्क्रैच क्या यही नजर आएगा क्या, जो थोड़ा ऊपर नजर आएगा ना, तो तीनों का मिला करके उसकी अपरेंट पोजिशन क्या होगी। तो अभी आपको नोट में लिखाया गया है अपरेंट पोजिशन, अपरेंट डेप्थ क्या होगी, अरे ये अभी तो जस्ट बताया गया है, फर्स्ट वाले की वजह से अपरेंट डेप्थ होती है D1/N1 फॉर्मूला लिखा है, दूसरे की वजह से होगी D2/N2 और तीसरे की वजह से होगी D3/N3, और सॉल्व करोगे 4.89 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन और हो गया ठीक है। फिर एक चीज बतानी है मेरे को, जो अभी अपन ने जो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो उसमें मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मैं बता देता हूँ, ये भी हटा रहा हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर ले। देखो भाई ये आपको जो मैंने एक रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब करवाया था टॉपिक, जिसके अंदर हमने लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डेराइव किया था, आपको याद होगा टी कॉस आर साइन आई माइनस आर वाला फॉर्मूला डेराइव करवाया था ना, तो ये जो लैटरल शिफ्ट है डी ये किन किन पे डिपेंड करता है, ये अपने नहीं लिखा था, तो डिपेंडेंस ऑन लैटरल शिफ्ट ये लिख लो आप। तो ये लैटरल शिफ्ट जो है तीन चीजों पर डिपेंड करता है, टॉपिक देख लेना आप, वहां पे आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये लैटरल शिफ्ट एक तो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, किस पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो ग्लास है तो ग्लास के, और एक टी पे डिपेंड कर रहा है थिकनेस। जल्दी लिखे, फिर इसके बाद एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लिखे स्टेटमेंट, फिर समझते हैं इसको। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट That if the final path
ऑफ अ रे ऑफ लाइट लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल सेवरल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड then it retraces its path exactly. This is the principle of reversibility. Statement लिखे फिर अपन discuss करते हैं क्या है. क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट देखें. ये बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है और उसके बहुत सारे रिफ्रैक्शन हो रहे हैं रिफ्लेक्शन हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है एक लाइट रे जा रही है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है पहले इधर जा रही थी फिर इधर मुड़ गई फिर यहाँ कोई आपने इधर से फिर रिफ्रैक्शन हुआ इधर मुड़ गई फिर यहाँ आपने कोई मिरर रख दिया तो ये रे इधर मुड़ गई या एक और मिरर रख दिया ये रे इधर की तरफ मुड़ गई यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ ये रे इधर मुड़ गई फिर यहाँ कोई मिरर रख दिया तो ये रे मान लो इधर मुड़ गई लास्ट में यहाँ एक और मिरर रख दिया आपने. ऐसे आपने बहुत सारे इसको क्या करवाया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऐसे बहुत सारे करवा दिया आपने. अरे समझ रहे हो इसको एक लाइट की रे चल रही है बहुत सारे रिफ्रैक्शन हो रहे हैं बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने रिफ्लेक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं रिफ्रैक्शन हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप ये रे जो बहुत सारे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कर रही है लास्ट में एक मिरर रख दो उसके सामने परपेंडिकुलर ऐसे रख दो तो जैसे परपेंडिकुलर टकराएगी मिरर पे तो रे क्या होगी वापस आएगी ना वापस एकदम उल्टी हो जाएगी. तो अगर आप इस रे के फाइनल पाथ को अगर एक रे के फाइनल पाथ को अगर आप रिवर्स कर दो एक लाइट रे है उसके फाइनल पाथ को अगर आप रिवर्स कर दो क्या कर दो रिवर्स कर दो आप तो आप देखोगे इस रे के फाइनल पाथ को जैसे आप रिवर्स कर दोगे तो नहीं यार तो फिर ये रे जो है ना अपने वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी यानी जिस रास्ते से आई थी वापस उसी रास्ते से जाएगी. देखो समझ लो बहुत इजी स्टेटमेंट है. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल बहुत सारे रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस इज रिवर्स फाइनल पाथ को क्या कर दिया आपने फाइनल पाथ को रिवर्स कर दिया लास्ट में फाइनल पाथ को जारी थी ऐसे उल्टा कर दो आप तो ये फिर कहीं और दूसरे रास्तों से नहीं जाएगी. कौन से रास्ते से जाएगी ये उसी रास्ते को उसी पाथ को ट्रेस करेगी जो पहले आई थी रिट्रेस करती है अपने पाथ को. इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. पाथ को रिवर्स किया तो जिन रास्तों से आई थी वापस उन्हीं डायरेक्शन में जाएगी वो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. पाथ को रिट्रेस करती ठीक है. तो अपन इसको मैथमेटिकली अब इसका एक रिजल्ट निकालते हैं. डायग्राम बढ़ाए ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ये नॉर्मल है ठीक है. ये रे जा रही है ऐसे ये डेंसर मीडियम है भी ये आई एंगल पे टकरा रही है तो ये रे किधर जाएगी बताओ किधर डेविएट होगी. अब तो इतना बता दिया यार नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है और मैंने यहाँ पे एक मिरर रख दिया इसके सामने परपेंडिकुलर रखा. क्या होता है परपेंडिकुलर मिरर रखने से क्या होता है परपेंडिकुलर रखने पे रे वापस उल्टी लौट जाती है. परपेंडिकुलर रख दिया नॉर्मल के अलोंग टकराएगी रे तो वापस नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी. तो मैंने इसके पाथ को वापस रिवर्स कर दिया तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है कि जिन रस्तों से आई थी वापस उन्हीं रस्तों से चली जाएगी ठीक है. तो ये मीडियम नंबर वन है और ये मीडियम नंबर टू है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना भी एन टू है. लेट लाइट रे ट्रेवल्स
फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, इट्स पाथ इज रिवर्स्ड बाय प्लेसिंग अ प्लेन मिरर एम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक मिरर रख के हमने इसके पाथ को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, मीडियम वन से चल करके मीडियम वन टू मीडियम टू, स्नैप लॉ लगाओ भाई, इधर से इधर जा रही है, स्नैप लॉ लगाओ, क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर और इक्वल टू क्या होगा? इधर से इधर जा रही है, एन टू अपॉन एन वन आएगा। और मैं एन टू अपॉन एन वन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि आप ऐसे वन एन टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन से टू जा रही है, इसलिए इसको लिख लो वन एन टू, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। कोई डाउट है क्या? अभी रे वापस उल्टी लौट रही है, तो अब की बार ये सेकेंड मीडियम से किस में जा रही है? फर्स्ट मीडियम में। तो वापस स्नैप लॉ लगाएंगे। If ray travels from medium 2 to 1, then वापस स्नैप लॉ बताओ भाई, इस बार इधर से इधर जा रही है, ये r एंगल ऑफ, सॉरी लिखा नहीं मैंने, इधर से इधर जा रही है, तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा साइन r, और ये कौन सा एंगल होगा इधर से इधर जा रही है? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और इधर से इधर जा रही है, टू से वन जा रही है इस बार, तो इसको लिखोगे टू एंड वन, टू से वन की तरफ जा रही है, इक्वेशन नंबर टू। और इनको मल्टीप्लाई कर दो वन और टू को, वन इंटू टू कर दो, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये है, और साइन आर साइन आई, ठीक है। ये वन एंड टू है और ये टू एंड वन है, ये साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, तो क्या आया बताओ? वन आ गया, वन एन टू टू एन वन। और इसको आप चाहो तो नीचे भेज सकते हो, किसी एक को नीचे भेज दो आप, तो आप देखो ये जो टू एन वन है ये क्या होगा, इसको अपॉन में भेज दो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक रे जब एक मीडियम से दूसरे में जा रही है और दूसरे से वापस फर्स्ट में जा रही है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर से इधर जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इधर से इधर जाएगी तो उसका जस्ट उल्टा होगा, देखो अपॉन में आ रहा है, रेसिप्रोकल हो गया। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वन का है टू के रेस्पेक्ट में, और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? टू का किसके रेस्पेक्ट में? वन के रेस्पेक्ट में। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। देखो ये आपको ये रिजल्ट याद रखना है, रे वन से टू जा रही है, टू से वन जा रही है वापस, तो इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो वन आएगा, ठीक है। फिर एक नोट में मैं और बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ नोट में, इसको बाद में डिस्कस करेंगे आप। अगर तीन अलग अलग मीडियम है, ये एन वन है, ये एन टू है और एन थ्री है, अगर रे वन से टू की तरफ जा रही है, वन से कहाँ जा रही है? टू, फिर टू से जा रही है थ्री की तरफ, तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, इसका निकालो भाई, वन एन टू को क्या लिखते हो आप? एन टू अपॉन एन वन लिखते हो, और इसको क्या लिखते हो? टू एन थ्री को, एन थ्री अपॉन एन टू, ये इससे कट गया, वन एन टू टू एन थ्री, ये पूरा क्या है बताओ? एन थ्री अपॉन एन वन को क्या लिखोगे आप? एन थ्री अपॉन एन वन को वन एन थ्री, तो लिखोगे वन एन थ्री, यानी ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि अगर रे वन से टू जा रही है फिर टू से थ्री जा रही है, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा ये ऐसा बिहेव करेगा, ये सीधी वन से कहाँ गई? थ्री गई, बीच वाला इंटरमीडिएट वाला मीडियम का कोई मतलब ही नहीं। अगर फोर मीडियम है, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से कहाँ चली गई? फोर, तो ये ऐसा लगेगा सीधा वन से कहाँ चली गई? फोर में ही गई, यानी जो मेन जो लास्ट में जो डेविएशन होगा वो मेन किसकी वजह से होगा? फोर की वजह से, बीच वाला इंटरमीडिएट मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कंक्लूजन है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, आज के लिए इनफ है। Yes, thank you.